आपने एक पॉडकास्ट था वहां पे बोला कि जब मुस्लिम रैशनल हो जाता है तो वो इस्लाम को छोड़ देता है। इस आकलन से या इस कथन के पीछे का रीजन क्या है? क्या तार्किकता इस्लाम में अलाउड नहीं है, या प्रश्न पूछने की मनाही है, या प्रश्न के बाद जो उत्तर आता है उलेमाओं से या मौलवियों से उस उत्तर पर दोबारा प्रश्न पूछने की मनाही है? आखिर ये जो स्टेटमेंट है उससे आपका क्या तात्पर्य है? जी बिल्कुल। आप देखिए कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा। इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, यानी आप अपनी अकल नहीं लगा सकते। आप कोई मौलाना से सवाल तो पूछ सकते हैं, वो किस लिए पूछ सकते हैं? कोई मसले को समझने के लिए, जानने के लिए, जैसे नमाज पढ़ना है तो कितने टाइम की पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपकी रैशनैलिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी जो आपकी अकल के खिलाफ जा रहा है, वो आप सवाल नहीं पूछ सकते, वो खुद से भी नहीं पूछ सकते। बाकायदा रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक इंसान जो है उसको शैतान किस तरीके से भड़काता है, तो पहले उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि अरे सूरज को अल्लाह ने बनाया, पहाड़ को अल्लाह ने बनाया, आसमान को अल्लाह ने बनाया, जमीन को अल्लाह ने बनाया, यानी वो अल्लाह वाला ख्याल उसके अंदर शैतान डालेगा। फिर लास्ट में वो आपके ख्याल, आपके जहन में ख्याल डालेगा कि फिर अल्लाह को किसने बनाया। तो रसूलुल्लाह कहते हैं जब ऐसा आपके जहन में सवाल आए तो फटक से जो है, इस तरीके की हदीस है कि आप आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, शैतान आपको बहका रहा है। तो इस्लाम में अकल का दखल है ही नहीं। और जो मेरे चैनल पे यानी कॉन्स्टेंटली हम डिबेट्स करते जाते हैं मुसलमानों के साथ, कई सारे मुसलमानों से मैंने ये उनके मुंह से बुलवाया है कि हम इस चीज़ को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमारा ईमान है, इसमें हम हमारे पास कोई जवाब नहीं, इसकी हम रैशनैलिटी बयान नहीं कर सकते, कोई लॉजिकल आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा ईमान है और अगर बातें साइंस के खिलाफ भी जाएगी तो हम साइंस को नहीं मानेंगे बल्कि इस्लाम को मानेंगे, क्योंकि ईमान का पूरा खेल है। तो मैंने बाकायदा उनसे ये बात कबूल करवाई कि हम अंधविश्वासी है और मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो अंधविश्वासी ही है, पूरा मामला ईमान पे टिका हुआ है। इसलिए जब एक बंदा रैशनल होता है, थोड़ा सा अकीदत की पट्टी उतार कर अगर वो चीज़ों को देखे, समझे, कुरान को देखे, उस पर गौर करे, तो बिल्कुल वाजे हो जाता है कि ये कोई कोई खुदा की तरफ से कलाम नहीं हो सकता और ना ही इस्लाम में कोई लॉजिकल बात है। तो मजबूर है मुसलमान क्योंकि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। जी इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है जो मोमिन होता है असल में मानने वाला होता है। मोमिन मानने वाले को कहते हैं, जानने वाले को नहीं कहते। जो जान जाएगा फिर वो मोमिन नहीं रहेगा, ये बात याद रखें। जब तक वो मान रहा होता है तब तक वो मोमिन कहलाएगा। यूं ही जो जानना लगेगा तो उसके बाद अंदर से उसके सवालात उभरेंगे और वो सवालों का जवाब जब उसको लॉजिकली, जब सेटिस्फैक्ट्री जो है उसको अपने अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे तो वो फिर अंदर से बेचैन होता रहेगा। और एक्स मुस्लिम की हालत असल में यही है। दुनिया भर के जितने एक्स मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने शौक में आकर जो है इस्लाम को छोड़ दिया, नहीं, हर चीज नहीं। हमने जिंदगियां इस इस्लाम को पढ़ने और समझने में जो है गुजारी हैं। हम जान जाने के बाद में इस्लाम को हमने छोड़ा है। हमने इस्लाम को इसलिए छोड़ा है कि हम जान चुके हैं, और जितने लोग मान रहे हैं चूंकि वो मान रहे हैं इसलिए वो इस्लाम पर चल रहे हैं। ये है बुनियादी फर्क, ये है बेसिक जो है मतलब डिफरेंस जो मानने और जानने का होता है। जी।